हेलो जी, वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं रानीखेत पे यार। दिल्ली से आया था, कुछ दिन हल्द्वानी में था और अभी मैंने ले लिया भुट्टा। मात्र 15 रुपये का भुट्टा यहां पे मिल रहा था और बढ़िया, इस सीज़न का मेरा पहला भुट्टा है। शायद घर पर भी अभी लग चुके होंगे या नहीं लगे होंगे तो पता नहीं, पर इस सीज़न का पहला भुट्टा है। चचान है ना इसमें, बेल के भयंकर नमक और नींबू पूरा पेल के लगा दिया है। और मैं भी रानीखेत बाज़ार पे हूँ। रानीखेत बाज़ार एक छोटी सी मार्केट है जो पूरी एक पतली सी रोडों में बसी हुई है। दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। सामने पे जो ये पहाड़ी दिख रही है, ये है दुनागिरी एक्चुअली। तो मुझे यहाँ तक भी जाना है। यहाँ से करीब करीब 50 किलोमीटर अभी भी दूर है रानीखेत से। और यहाँ से सामने वाले पूरे पहाड़ पे ना हिमालय रेंज दिखती है। अभी बादल लगने की वजह से नहीं दिख रही है। तो रक्षाबंधन भी पास में है, इस वजह से चारों तरफ राखियों की बाजार लगी हुई है। ऊपर पे है पार्वती इन, पहले ना यहाँ पे पिक्चर हॉल हुआ करता था यहाँ पे ऊपर पे। तो इसकी टिकट यहीं पे मिलती थी बाहर पे ही। तो यहाँ पे पिक्चर हॉल हुआ करता था पहले से, अभी तो ये बंद हो चुका है। अभी तो पिक्चर हॉल यहाँ पे चलता है नहीं। और इधर पे है लाइब्रेरी, यहाँ पे की लाइब्रेरी, जो आप जाके किताब पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो। मैं पहुंच गया था दोराहाट पे, और दोराहाट आने के बाद में अभी मुझे आ गया दाई लेने के लिए। तो मैं इधर बाइक से निकल रहा हूँ घर की ओर को। और दिखाओ दुनागिरी पर्वत, वो सामने दिखाई दे रहा है दुनागिरी का पहाड़। तो वहाँ हमें भी पहुंचना है। और चारों तरफ हरियाली कुछ अलग दिखाई दे रही है। अभी तक मैं था दिल्ली में, उसके बाद मैं था हल्द्वानी में। तो वहाँ का मौसम यार बहुत ही एकदम यार चिलचिली वाली चिपचिपी गर्मी, बुरा सा ही लग रहा था। और इधर पर तो यार मौसम ही कुछ अलग सा बना हुआ है। तो जी मैं पहुंच चुका हूं घर पे। बहुत दिनों के बाद मैं इन पहाड़ों की यादों में वापस से इन पहाड़ों में। तो काफ़ी दिन हो चुके थे, मैं था बाहर दिल्ली गया था, उसके बाद मैं रहा कुछ दिन हल्द्वानी पे, और अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे। तो यहां आने के बाद जो माहौल था, जो हरियाली देखने के लिए मिली, दिल्ली की गर्मी सब सारी बाहर निकल चुकी है और एकदम गजब का माहौल बनाए हुए है। चारों तरफ हरियाली हरियाली हो चुकी है आजकल। तो बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद आके। तो चलिए मैं तब तक आप लोगों को भी दिखाता हूँ बढ़िया सा शॉट कैसा लग रहा है सामने वाली पहाड़ी पे अभी।